तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने माइक्रो कंट्रोलर के कुछ मतलब जो भी टर्मोलॉजीज उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो देख लिए थे। तो बेसिकली इतना जानने के बाद, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ ट्रू डिवाइस दैट इज फिट द कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक सिंगल चिप डिवाइस होता है, एक सिंगल चिप पे ही क्या होता है आपके सारे डिवाइसेस इसमें क्या होते हैं इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें, नो नीड फॉर द एनी एक्सटर्नल इंटरफेसिंग फॉर द बेसिक कंपोनेंट्स लाइक अ मेमोरी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, कोई भी आपको एक्सटर्नल इंटरफेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स है लाइक आपको उसमें जो मेमोरी लगती है, जो आईओ पोर्ट्स होते हैं, तो ये क्या इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है किसी एक्सटर्नल इंटरफेसिंग की जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नली इसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होते हैं ये इस पे इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोसेसर में क्या हो रहा था, आपको मेमोरी अलग से कनेक्ट करनी पड़ रही थी, आईओ जो डिवाइसेस थे वो अलग से कनेक्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन ऐसा माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर डजंट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एज ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन एंड स्टोर इन अ मेमोरी। ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसमें क्या होता है आपका ऑल द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर प्रोग्रामेबल, राइट, इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है आपका इसके कारण क्या होता है, जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक सिंगल चिप पे होते, अलग से आपको कॉम्पोनेंट्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या होता है इसमें, मान लो कि जैसे प्रोसेसर में हम क्या करते थे, एक अलग से आपका मेमोरी कनेक्टेड होता था, अलग से आपके आईओ पोर्ट्स कनेक्टेड होते, तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन आपके माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे एक सिंगल चिप पे कनेक्टेड होते हैं, तो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाता है यहाँ पे बहुत लो हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि ये प्रोसेसर है आपका, माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका मेमोरी है, आईओ डिवाइस है, तो ये क्या होता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है, सबको माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कॉस्ट क्या हो जाता है, इसका कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका डिजाइनिंग इसकी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पावर कंजप्शन भी क्या हो जाता है इसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस थे आपके माइक्रो कंट्रोलर के। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो जाता है, जो भी इसकी डिजाइनिंग वगैरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आपका कॉस्ट भी काफी बढ़ जाता है, पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है लो होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है कम होती है, राइट, और इसका पावर कंजप्शन भी क्या होता है लो होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, देखो अब क्या देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, बेसिक्स एप्लीकेशंस बता रही हूं मैं इसके, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कंट्रोल पैनल आप डिजाइन करना चाहते हो लाइक ओवन में, अपने वॉशिंग मशीन में, तो वहां पे क्या होगा आपका बताओ, वहां पे क्या इन्वॉल्व होगा आपका कंट्रोल पैनल्स वगैरह आप जब बनाना चाहते हो। ठीक है, जो आपका फ्रंट पैनल कंट्रोल जो होता है अवन में, आपके वॉशिंग मशीन वगैरह में, वहां पे आप क्या लगाओगे, माइक्रो कंट्रोलर। जो आपके फंक्शन जनरेटर्स होते हैं, राइट, फंक्शन जनरेटर्स, वहां पे क्या यूज करोगे, माइक्रो कंट्रोलर। जो आपके अलार्म्स होते हैं, ठीक है, स्मोक एंड फायर अलार्म्स होते हैं, ये तो बेसिक्स है, हर एक जगह आपको दिखेगा, ये क्या होता है आपके घरों में लगा होता है, आपके अपार्टमेंट्स में लगे होते हैं, आपके कॉलेजेस में लगे होते हैं, आपके मॉल्स में लगे होते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, होम ऑटोमेशन वाले सिस्टम में, होम ऑटोमेशन जो भी जितने भी आते हैं उसमें आपके क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका जो भी क्या होता है, आपका जो भी डोर लॉकिंग सिस्टम होता है उसमें भी क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपका माइक्रो कंट्रोलर इन्वॉल्व होता है, राइट, समझ में आ गया। तो हम ये डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है आपके माइक्रो कंट्रोलर के। तो ये ब्रीफ आइडिया था आपके माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है,